अभी तो ठीक है, चलो करते हैं। चलो हाँ, देखो भाई, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ है सॉलिड है ना, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड ऑब्वियसली है ना, ठीक है। इसको किसी ने खुद से ट्राई करा जाके, खुद से करते तो अच्छा लगता ना, क्योंकि आप तुम्हारे पास नॉलेज सफिशिएंट है खुद से करने के लिए। मैंने तीन मेथड बताई थी हॉलो स्फीयर के लिए, दूसरी वाली ऐसी वर्मा से देख के आए, कितने लोग देख के आए, पढ़ा उसको जाके, आ गया समझ में, आ गया ना। मेथड तो अलग थी, तीनों इंडीड अलग कंसेप्ट है, तीनों अलग कंसेप्ट है और तीनों सेम आंसर देते हैं, तीनों बिल्कुल अलग अलग कंसेप्ट हैं। कितने लोगों ने करा था मुझे बताओ, ऐसे कितने जगह से जाके घर पे जाके देखा ऐसी वर्मा खोल के, एक दो देखा तुमने, नहीं नहीं देखा ना, यही पता चल जाता है, पता है नहीं। देखो क्या है कि तुम कहोगे सर एक ही फॉर्मूला है, इसको तीन मेथड से क्यों कर रहे हैं, फॉर्मूला तो वही है। अरे हर एक मेथड एक कंसेप्ट है, वो अपने आप में एक क्वेश्चन है, कब कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से लग जाए तुम्हें नहीं पता, तो हर एक तरीका हमको आना चाहिए। मतलब डेरिवेशन करते हुए डेरिवेशन करना ही बंद करते, सीधे फॉर्मूले याद कर लें। अरे पर डेरिवेशन को क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके होते हैं। चलो बताओ, तुम बताओ कैसे निकालें इसकी पोटेंशियल एनर्जी। चलो अपन ये गलते फिर क्या है, यू क्या बता, अभी बता क्या पढ़ा था, हाफ इंटीग्रेंट बी डी क्यू, ठीक है। अब कैसे लगा इसमें बताओ, क्या करें तुम लोग, थोड़ा कुछ तो आइडिया दो, क्या करें क्या करें, गॉसियन सरफेस ले लो, बताओ भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है, तो सारे फॉर्मूले पता है, क्या करते हैं स्फीयर के लिए, क्या करते हैं बाहर, क्या बाहर, इसके बाहर क्यों, इसके अंदर है इसके बाहर, दिमाग खराब है तुम्हारा। अरे भाई सॉलिड स्फीयर के लिए क्या करते हैं, होलो स्फीयर को इंटीग्रेट करते हैं ना, ये तो करते थे अभी तक, तो ये करते थे। देखो इसको करने के कई तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं यार। होलो स्फीयर के लिए तुम्हें फॉर्मूला बताया, तो इस छोटे से होलो स्फीयर की लिखो, इंटीग्रेट कर दो, आ जाएगा आंसर। एक तरीका ये है, एक तरीका इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तरीका एससी वर्मा में दिया, चार तरीके तो होगा इसके। चलो ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो बताओ यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, स्फीयर के अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला खतरनाक था, पर कहा था याद रखना है, क्या था स्फीयर के अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला, के क्यूब आए, मुझे खुद याद नहीं है, थ्री आर स्क्वायर नहीं, आर क्यूब आएगा, टू आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। मैंने कहा था डायमेंशन से याद करना, बोला था ना फॉर्मूला खतरनाक है पर याद रखना है। अब लगेगा ही फॉर्मूला, पोटेंशियल क्या होता है, लगा दो। तो लगाओ भाई, क्या इंटीग्रेशन के बाहर क्या क्या आ गया, के क्यूब आए, टू आर क्यूब इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये तो क्या हो गया तुम्हारा, पोटेंशियल हो गया r डिस्टेंस पे, है ना। डी क्यू, डी क्यू इसका चार्ज कोई बता सकता है, डी क्यू कितना होगा, अब तो सीख गए हो, डी क्यू इज रो डी वी, रो डी वी कितना होगा, फोर पाई आर स्क्वायर डी आर। कितनी बार कर चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, हजार बार कर चुके हैं अभी ये। क्लियर है, ठीक है। तो भाई बताओ कितना आएगा, रो इंटू फोर पाई, चलो ये तो बाहर निकाल देंगे बाद में, रो इंटू फोर पाई बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचा तुम्हारा, आर स्क्वायर डी आर। तो देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या बन गया, हाफ लिख दो, के क्यू बाई टू आर क्यू, बाहर क्या आ गया, रो इंटू, रो को क्या लिख सकते हैं वैसे, रो को क्या लिख दे बताओ, क्यू बाय फोर बाय थ्री पाई आर लिख सकते हैं ना, ठीक है रो। और फिर क्या आ गया, फोर पाई आर स्क्वायर, अंदर क्या है बताओ, आर स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करो, थ्री आर स्क्वायर माइनस आर पावर फोर डी आर, ठीक है। देखो कोई दिक्कत है यहाँ पे, चलो करते फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले तो बताओ, चलिए आर स्क्वायर का क्या होता है, इसको मैं साइड में सॉल्व कर दे रहा ना, क्या होता है, थ्री आर स्क्वायर, और लिमिट क्या से कहाँ तक होगी, जीरो से कैपिटल आर, ठीक है। तो थ्री आर स्क्वायर इसका क्या आएगा, आर क्यूब बाई थ्री, और लिमिट रख देते हैं तो आर क्यूब बाई थ्री यही आएगा, देखो माइनस आर पावर फोर का आर पावर फाइव बाई फाइव, तो आर पावर फाइव बाई फाइव, देखो यही आएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। ये सॉल्व करो क्या आ रहा है तुम्हारा, थ्री से थ्री गया, ये आ रहा है तुम्हारा आर पावर फाइव माइनस आर पावर फाइव बाई फाइव, फोर आर पावर फाइव बाई फाइव। तो देखो फाइनल क्या आ गया तुम्हारा, ये आ गया तुम्हारा हाफ के क्यू बाई टू आर क्यू, ये आ गया तुम्हारा फोर पाई से फोर पाई तोड़ा दो, थ्री ऊपर चला जाएगा ये ना,
थ्री क्यूब आए आर क्यूब, और क्या आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा 4r⁵5/5। देखो यही आ रहा है क्या, अब देखो काटो, 4 से 4 गया, r पावर से एक r क्यूब और ये r स्क्वायर चला गया, तो क्या आ गया तुम्हारा, देखो u इक्वल टू 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय 0.6 के क्यू स्क्वायर बाय r। पिछली बार कितना आया था, नोट सवाइज करके नहीं आए, 0.5 के स्क्वायर बाय r, इस बार 0.6 आया, ठीक है। चलो देखो जल्दी से, ये एक मेथड करने की, ऐसी वर्मा में एक और दी है देख लेना। बाकी देखो इस लेवल के डेरिवेशन वगैरह, इस लेवल के क्वेश्चंस वगैरह हमें एडवांस में ही करने पड़ते हैं ना, मतलब एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बाकी फॉर्मूला याद रखो काम हो जाएगा तुम्हारा, क्वेश्चंस जो नॉर्मल क्वेश्चंस है वो फॉर्मूले से हो जाएंगे तुम्हारे जेई मेंस नीट लेवल के, लिख लिया। अब एक तगड़ा कंसेप्ट बताएं, देखो अब विजुअलाइजेशन देखो, फील करते हैं, मिटाते हैं सब। चलो देखो ना, होलो स्फीयर वाले याद है ना, होलो में कितनी आई थी, 0.5 के क्यू स्क्वायर बाय आर, और यहाँ पे कितनी आई, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था एनर्जी को देखने का एक तरीका है कि एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, एक्चुअल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअल थिंग, इट्स नॉट जस्ट एन आइडिया, हमारी सोच नहीं है, हमारे समझने का तरीका नहीं, एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। लाइट क्या है, फ्लक्चुएशन ही है इलेक्ट्रिक फील्ड का, समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास एनर्जी होती है, वो एनर्जी डेंसिटी भी बताई थी तुम्हें, 0.5 ε₀ E², ठीक है। चलो देखो यहाँ पे 0.5 ε₀ E² होती है ना, ठीक है। तो देखो अच्छा, अगर इस पे क्यू चार्ज स्फेरिकल शेल है, तो आउटसाइड वाले पॉइंट पे मान लो r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आउटसाइड वाले पॉइंट पे, के क्यू स्क्वायर वाई, ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है यार तुम लोग भी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, यही होती है इलेक्ट्रिक, आउटसाइड वाले पॉइंट पे तो यही होता है, सारा का सारा चार्ज सेंटर पे मान लेते हैं। मान लो ये सॉलिड स्फीयर है, अब इसको सॉलिड कर दिया, पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू चार्ज है, रेडियस है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आउटसाइड वाले पॉइंट पे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती है आउटसाइड वाले पॉइंट पे, फर्क नहीं पड़ता पॉइंट चार्ज रखा है, होलो स्फीयर रखा है, सॉलिड स्फीयर रखा है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज तुम सेंटर पे मान सकते हो, तो फर्क नहीं पड़ता ये होलो स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर है, आउटसाइड वाले पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगी। सुनना कंसेप्ट यही पे आएगा तगड़ा, है ना। और हमने क्या बोला, ये चीज़ पहले क्लियर है क्या, फ़र्क नहीं पड़ता, अभी बाहर की बात करें, अंदर की बात नहीं कर रहे ना, बाहर वाले पॉइंट पे सॉलिड होलो फर्क पड़ता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे, चार्ज अगर क्यू है, रेडियस अगर आर है, रेडियस से तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डिस्टेंस ले रहे हैं अपन, ठीक है, स्मॉल आर डिस्टेंस है ना, तो अगर चार्ज अगर क्यू है तो बाहर वाले पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होगी। और हमने अभी क्या बोला, एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, मतलब चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, बाहर जो एनर्जी है, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी है वो तो दोनों में सेम होगी, होगी या नहीं होगी, ठीक है। अच्छा बताओ, होलो के कारण, अगर ये होलो बोले, होलो, होलो के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मतलब होलो के कारण जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो सारी की सारी कहाँ थी, मतलब जितनी भी एनर्जी स्टोर हुई थी वो सारी की सारी किस इलेक्ट्रिक फील्ड में हुई थी, बाहर, और बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर हुई थी, 0.5। तो मतलब जो बाहर जो एनर्जी है, जो आउटसाइड जो एनर्जी स्टोर हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो कितनी है, पॉइंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यू से लिख दो, चलो इसे यू लिख देते ना, एनर्जी को अपन यू से लिख रहे हैं ना, अभी ई से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, तो आउटसाइड कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, 0.5 के क्यू स्क्वायर बाय, है ना। चलो फिर से आ जाओ, फिर से देखो, होलो स्फीयर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर है, और एनर्जी बाहर ही स्टोर, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है, और वो एनर्जी हमने कल निकाली थी, कितनी आई थी, 0.5 के क्यू स्क्वायर बाय आर। अब सॉलिड स्फीयर के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है ना, अरे अभी तो बोला बाहर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर तो सॉलिड स्फीयर के भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड भी तो एनर्जी तो यही होगी, मतलब सॉलिड स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड स्फीयर के बाहर भी अंदर भी है, पर बाहर वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो कितनी है, 0.5 के क्यू स्क्वायर है। अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आईआईटी में कि सॉलिड स्फीयर में सिर्फ अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी एनर्जी है, कितनी नहीं होगी,
क्यों 0.1 की होगी? हाँ देखो, होलो में टोटल कितनी आई, होलो की एनर्जी थी 0.5, सॉलिड की कितनी थी 0.6, और उस 0.6 में से बाहर कितनी स्टोर्ड है तो अंदर कितनी है, तो इसके लिए एक तरीका तो तुम इंटीग्रेट करके पूरा करते सॉल्व, जरूरत नहीं है देख के बता सकते हो, अगर ये कंसेप्ट दिखता है नहीं, क्लैरिटी दिखती है तो तुम देख के बता सकते हो अंदर कितनी है 0.1 KQ²/R। तो लिखो इस कंसेप्ट को, ये विजुअलाइजेशन है, ये देखने का तरीका है, ये क्लैरिटी है। Yeah.